वैक्सीन का दूसरा टीका लगवाने अधिकारी व कर्मचारियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। हेल्थ फ्रंटलाइन राजस्व रेवेन्यू व पंचायती राज के वर्करों को लगा कोविड 19 का दूसरा टीका। आपको बता दें, जिले के 7 सामुदायिक केंद्रों में 60 वर्षीय व्यक्तियों के लिए लगाए गए टीकाकरण कैंप। जी हाँ, पन्ना जिले के जिला चिकित्सालय के कोविड 19 सेंटर में हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, राजस्व रिवेन्यू व पंचायती राज के अधिकारी कर्मचारियों को दूसरा कोविड 19 का टीकाकरण किया गया है, जिसमें काफी बढ़ चढ़कर कर्मचारी टीका लगवाने के लिए आए। एवं वही मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कोविड 19 का टीकाकरण हमारे जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी कैंप लगाकर किया जा रहा है। एवं 45 से 49 वर्ष के क्रम अभिव्यक्ति एवं 60 वर्ष से ज्यादा वर्ष के व्यक्तियों को टीकाकरण किया जा रहा है, जहां हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, राजस्व रेवेन्यू, पंचायती राज की सभी वर्करों को कोरोना वैक्सीन का दूसरा टीकाकरण लगवाने आए अधिकारी कर्मचारियों में टीका लगवाने में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आपको मन में पहले क्या था, क्या क्या था? ये मन में फीलिंग तो जिस दिन मैंने पहला टीका लगवाया था उसी दिन से थी कि अब हमें दूसरा टीका कब लगेगा, और आज देखिए सारी उमंग है लोगों में, बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं। लोगों को जो जितना पैनिक बना दिया था वो डर भय सब अलग हो गया है, आराम से लोग आ रहे हैं। आप देखिए मीडिया के माध्यम से सभी खुश हैं और सभी दूसरा टीका लगवा रहे हैं। लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? हमारा तो लोगों से यही मैसेज है कि आपके माध्यम से इसको डरे ना, बिल्कुल पहला भी टीकाकरण करवाएं और दूसरा टीकाकरण भी करवाएं, ये अपनी सुरक्षा के लिए है। 60 साल तो कौन कौन से विभाग के कर्मचारियों को लगाएगा, कितने लोगों को लगाएगा? ये हेल्थ वर्कर जो सेकेंड डोज जिनके छूटे हुए हैं, नहीं पूरे हुए, उनको लगाया जा रहा है। फ्रंट लाइन वर्कर में रेवेन्यू, होम मतलब पुलिस डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट और पंचायती राज के PRI के जो कर्मचारी हैं उनको लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो सामान्य सिटीजन है उनके लिए जो 60+ वाले हैं उनको, और 45 to 59 ईयर्स के जो 20 बीमारियों में से किसी से ग्रसित है, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, लकवा है, किडनी डिसीज है, लीवर डिसीज है, इस तरह की बीमारियों से उनको लगाया जा रहा है। आज बहुत अच्छा लोगों का यहाँ पर टीकाकरण का लाभ दिया गया है। छुट्टी भी दो दिन लगातार छुट्टी हो जाने के कारण भी थोड़ा सा आज काफ़ी ज़्यादा लोग आए, और इसी तरह से यदि लोग आते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपना लक्ष्य पूरा करने में सफल हो पाए। सीनियर सिटीजन के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भी कैंप लगाए जा रहे हैं? हाँ, सीनियर सिटीजन में अभी हमारे जिला अस्पताल के अलावा सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, अजयगढ़, गुनौर, देवेंद्र नगर, पवई, सायनगर, इस तरह से अमानगंज, इनमें लगाया जा रहा है। इसके साथ ही 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी लगाए जा रहे हैं। ये 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 6 CHC और एक जिला अस्पताल में 24 तारीख तक कैंप लगेंगे। उसके बाद फिर हो सकता है कि उप स्वास्थ्य केंद्रों में भी टीकाकरण चालू होगा। तो अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।